एक हिंदी फिल्म आ रही है, द पावर ऑफ वर्दी टाइटल है फिल्म। इसकी कहानी मिस्टर सलीम अहमद ने लिखी है और इसके प्रोड्यूसर है डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी साहब, जो हमारे दोस्त हैं। तो फिल्म उन्होंने शुरू की अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। इत्तेफाक से मैं मिल गया, मैं भी ये लाइन में हूँ, फिल्म लाइन में। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। मेरा नाम एजाजुद्दीन काजी है, बेसिकली मैं स्टेज से हूँ और फिल्म में सीरियल करता रहता हूँ, मैं एक्शन मास्टर भी हूँ। लेकिन इस फिल्म के लिए डॉक्टर साहब ने मुझे पहले तो एक्टिंग के लिए अप्रोच किया, तो मैं उनसे मिला और मैंने आके पूछा कि भाई मेरे लिए कोई रोल है तो मुझे याद है, बिल्कुल एक पल भी नहीं लगाया और बोला है। और मुझे इस फिल्म में बीजेपी का कैरेक्टर दिया गया है, जो उनको अच्छा लगा। कहानी से वो भी वाबस्ता है, डॉक्टर साहब की कहानी में इन्वॉल्व है, तो उनको लगा कि ये कैरेक्टर एजाज काजी को दिया जाए और मैंने वो कैरेक्टर को पा लिया। उसके बाद एक ऐसी मोड़ पे हम लोग आ गए जब फिल्म की ने तीसरा चौथा शेड्यूल इन्होंने मेरठ में जाके शूट किया, मुंबई में किया, अलग अलग जगहों पर। तब एक्शन मास्टर की जरूरत आन पड़ी और फिर एक इत्तेफाक से एक मोड़ आया जहाँ मुझे ये काम को सौंपा गया। डॉक्टर साहब ने मुझ पर भरोसा जताया और फिर मैंने उसका एक्शन भी किया। डॉक्टर साहब का इसमें ये मानना था कि एक्शन तो फिल्मों में होते हैं, सब जगह होते हैं, इसमें ऐसा एक्शन हो जो सही भी लगे, हर फिल्म में सही लगता है, लेकिन ये रियल लगना चाहिए, क्योंकि वो सेंटर कैरेक्टर खुद कर रहे हैं डॉक्टर साहब। उनके कैरेक्टर का द पावर ऑफ वर्दी में अमन खान नाम है, एसपी अमन खान। ये एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है जो ईमानदार है, जाबाज है, अपनी ड्यूटी से बहुत उसको प्यार है। एक शहर है मेरठ करके, जहाँ पे लोग बाहुबली बोलते हैं, जो गुंडे है, मवाली है, स्मगलर्स है, जो जनता को परेशान किए हुए हैं। वो मंत्रालय से ऊपर से जब ये सस्पेंड है कैरेक्टर, ये मंत्रालय से इनको ऑर्डर आता है, स्पेशल इनको ऑन ड्यूटी दिया जाता है और फिर वो शहर में जाते हैं, जो एसपी अमन खान डॉक्टर साहब, तो वो वहाँ जाके अपनी ईमानदारी, अपने कानून के दायरे में रहते हुए उन लोगों को सीधा करता है, उन लोगों को सजा देता है इस फिल्म में। और इस फिल्म में यही मैसेज है कि एक पुलिस ऑफिसर अगर अपना ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को अच्छे से अंजाम दे तो कोई गुंडा मवाली आम जनता को परेशान नहीं कर सकता, देश की उन्नति को रोक नहीं सकता। सिर्फ ये शर्त है कि वो ऑफिसर ईमानदार हो। ये कहानी का मैसेज है, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। इसका डायरेक्शन भी सलीम अहमद साहब को दिया गया है। ये प्रोडक्शन हाउस बहुत दिनों से इस फिल्म के लिए कहानी पे काम कर रहा था, तो कहानी पे इतनी मेहनत की, डॉक्टर साहब भी उसमें थे कहानी को बनाने में, क्रिएट करने में। इसका स्क्रीन प्ले एक रियलिस्टिक से जुड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और जो कैरेक्टर आप देखेंगे डॉक्टर साहब का, अब्दुल जब्बार अंसारी साहब का, जो अमन खान का कैरेक्टर है, वो सेंटर कैरेक्टर है। आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि यह बंदा एक्टिंग कर रहा है। मैं उनका दोस्त होने के नाते तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये फिल्म की मांग है। अगर दर्शक फिल्म में जाएंगे और द पावर ऑफ वर्दी को देखेंगे, हिंदी फिल्म, देश में एक और एक्टर का जन्म हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ये मेरी अपनी सोच है और मेरा अपना ख्याल है, जो जनता इसको साथ देगी कि हाँ यार एक और बंदा आ गया। आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये बंदा 20 सालों से काम नहीं कर रहा। अनुभवी है डॉक्टर साहब, उनके को आर्टिस्ट अनुभवी है, जिन्होंने उनके साथ और भी लोगों ने काम किया। हीरोइन है, इसके कैमरामैन है, 3-4 कैमरामैन ने इसका काम किया है, अच्छे सब लोग अनुभवी कैमरामैन, उन्होंने भी अच्छा काम किया। लोकेशन अच्छे चूज़ किए गए कहानी के एतबार से, कैरेक्टर लिए गए, नॉन फेस का इस पर ऐसा कुछ नहीं था कि वो लिए जाए, वो ले सकते थे, लेकिन कहानी रियल लगे, सच्ची लगे कहानी, तो उसके हिसाब से कैरेक्टर को भी दिया गया है। और कहानी बहुत अच्छी, साफ सुथरी है, पूरी फैमिली जाके इस फिल्म को देख सकती है और जल्दी थिएटर में आएगी। मेरी सबसे ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है और ख्वाहिश भी, सब जाके थिएटर में ही देखें।